कर दिया। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। इस एक्सरसाइज में दो तरीके के क्वेश्चन थे। पहले के क्वेश्चंस में कॉलिनियर प्रूव करना था, डिस्टेंस निकालना था, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह ये निकालना था, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। तो वो मैंने रखा है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2 एंड 9। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट सपोज बना लिया हमने, इसका नाम डाल लिया ए बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 2 एंड -5 एंड -2 एंड 9। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लो देखो समझो इसको, एक्स एक्सिस ये है, इस पर एक ऐसा पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने वो पॉइंट पी मान लिया, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। बेटा इक्विडिस्टेंस का मतलब ये कभी नहीं होता है कि दैट इज द मिड पॉइंट। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो पॉइंट इन दो पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आप कहोगे कि तो इक्वल डिस्टेंस पे ए पी बराबर पी भी होगा तभी तो होगा। तो सपोज कर लें कि मान लो ये लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट पी मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। तो ये P पॉइंट है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये मिड पॉइंट तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इक्वी डिस्टेंस को नेवर बी हैव टू कंसीडर द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स और द लाइन, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब द पॉइंट इज इक्वल, हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। सो वी कैन से दैट कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। ए पी पी बी के इक्वल हो सकता है, होगा ही। तो ये भी लिखा जा सकता है कि ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर के हो। स्क्वायर मैंने इसलिए लगा दिया कि डिस्टेंस फार्मूला में जो स्क्वायर रूट लगाते हैं, अब वो मुझे स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन सकता है मेरा, x2 - x1। तो यहाँ लिख लिया मैंने, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला ए पी इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखते x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि x1 - x2 भी लिख सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। तो x-2 मैंने लिखा है, x-2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0 -5 यानी 5 का स्क्वायर आ गया, या 0 माइनस, चलो प्लस लग गया, इज इक्वल टू -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x प्लस का 25, दिस इज इक्वल टू, दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 4 आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 81। देखो दोनों एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल के इधर उधर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बना, प्लस का 4, ये भी प्लस का 4, ये भी कैंसिल हो गया भाई। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तो -4x और -4x इज इक्वल टू 81 हुआ। -8x - 8 यहाँ 25 भी आएगा, ये 25 रह गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 11 - 5 6 हो गया, 7 - 2 5 बचा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 56 - 8 7 8 जा 56, यानी -7 के इक्वल हो गया। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7 और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब ये वो पॉइंट होगा जो B और A से इक्विडिस्टेंस पर
होगा। कि ये समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे एक्सरसाइज में जिनको कि हमने करना है। एक क्वेश्चन कंपलसरी है बेटा जो कि पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी 2-3 एंड क्यू 10/10 यूनिट। देखो ये मैंने बना लिया एक लाइन सेगमेंट, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी पर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है और पी का कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 2-3 और क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या 10/y, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें इक्वल टू 10 रखते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 और पी क्यू अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा 10-2, 10-2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -3 तो बाई +3 हो गया इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20। अब दोनों तरफ का ये जो रूट ये हटाना है मुझे, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो इसका स्क्वायरिंग करने पे ये रूट हट गया, 10-2 8 हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और इसका होल स्क्वायर किया हुए बाई स्क्वायर प्लस 6 और प्लस का 9, दिस इज इक्वल टू 100। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है, प्लस का 9 और 64 कितना बन जाएगा 73, माइनस का 100, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 27, ये 27 है यहाँ पे 6 है तो बहुत आसान सा है, बाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। बाई कॉमन ले लिया, बाई प्लस 9 माइनस कॉमन ले लिया माइनस 3 तो बाई प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0, बाई प्लस 3 बाई माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, बाई प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 तो बाई इज इक्वल टू माइनस 3 और बाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये दो इसके आंसर आ गए, ठीक है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 9 में इफ क्यू, क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू 0 बन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गिवन पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी क्यू। एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन सेगमेंट ये बनाया, क्यू इज इक्वल डिस्टेंस, क्यू इसमें कहीं बीच में एक पॉइंट है तो 0 और 1 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा, पी ये दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट 5 और -3 और आर दूसरा कोऑर्डिनेट है जो एक्स और 6 है। तो कह रहा है कि तो x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकल आएगी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि क्यू इक्वल डिस्टेंस इसने दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्यू इक्वल डिस्टेंस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ये मेरे से क्वेश्चन में और आगे की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर, तो जब क्यू x की वैल्यू जब आ जाएगी तो क्यू आर की डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। और फिर जब x की वैल्यू आ ही गई तो पी आर की भी डिस्टेंस निकाली जा सकती है डिस्टेंस फार्मूला से, तो बहुत आसान सा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि चेंज हो जिसमें, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कर लेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर